सुब्रमण्यम स्वामी ने राम मंदिर से संबंधित जो अधिग्रहण की गई जमीन है उसके बारे में भी गृह मंत्री से मुलाकात की थी, क्या बात हुई? मैंने वैसे केस भी डाला था कि जो दो प्रकार की जमीन है वहाँ, जो जहाँ राम मंदिर की गर्भगृह था उसको विवादित मानी जाती है, क्योंकि वहाँ मस्जिद बनी थी तो सुन्नी वक्फ बोर्ड कहती है ये ज़मीन हमारा है, और 67 एकड़ ज़मीन जो घेरती है इस ज़मीन को वो व्यक्तिगत, ये वो निजी स्वामित्व में था। तो सुप्रीम कोर्ट ने ओरिजिनली जब जजमेंट दिया थी 94 में, उन्होंने कहा कि सिर्फ विवादित ज़मीन की सुरक्षा भारत सरकार को करनी चाहिए, लेकिन बाकी ज़मीन जो है वो निजी स्वामित्व में है, वो उसको बेच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो मैंने ये कहा था इस ज़मीन को लेकर काम शुरू कर देना चाहिए, विश्व हिंदू परिषद को आज रात को ही ज़मीन दे दो, ऐसा मैं कहता था, क्योंकि वो ज़मीन वास्तव में आज अब जो विश्व हिंदू परिषद का है। तो परंतु हमारी सरकार ने ये सोचा कि सुप्रीम कोर्ट को अवगत करा दें, नहीं तो कहीं उसको अपने अपनी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची, ऐसा ना सोचे। जो सुप्रीम कोर्ट आज के अधीन है वो बड़ी सीमित मामला है कि स्वामित्व किसका है। आखिर में स्वामित्व तो सरकार का है, सिर्फ मुआवजा किसको देना है यही फैसला होने वाली है। लेकिन जहाँ तक राम मंदिर बनाना, उसके लिए तो 67 एकड़ जमीन तो स्वाधीन है, उसको उस पर कर सकते हैं। जमीन का वो एक इश्यू है, मंदिर के जमीन कितना है वो दूसरा इश्यू है। तो राम जन्मभूमि जो है वो लगभग 70 एकड़ जमीन है, उसमें एक हिस्सा अविवादित है वो जो ज़्यादातर 67 एकर्स, और दूसरा है 2.77 एकर्स। तो 2.77 एकर्स आप जब फैसला करोगे, परंतु जमीन तो सरकार का ही होने वाला है, क्योंकि हमने राष्ट्रीयकरण कर दिया, मुआवजा नहीं दिया, तो वो पता नहीं किसको देना है इसीलिए नहीं दिया। अब सरकार सुप्रीम कोर्ट फैसला कर दें कि जमीन किसका स्वामित्व है वो विवादित जमीन, तो उनको मुआवजा दे देंगे, जमीन तो हमारे ही होने वाला है, उसको कहीं हमारे हाथ से निकलेगा नहीं। सुब्रमण्यम स्वामी ने जो पेजी दी गया है उसे समझाई टीवी भारत के लिए अनामिका रत्ना।